फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। और बच्चों, ऑलरेडी इसकी दो वीडियो अपलोड कर दी है मैंने, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर, पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किए थे और सेकंड वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 to 8 सॉल्व किए थे। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू। और टोटल 12 क्वेश्चन है, तो 12 के 12 क्वेश्चन हम आज इसमें करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते टाइम वेस्ट ना करते हुए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 से, जो कि पेज नंबर 147 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 147 एनसीईआरटी। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, देखो सबसे पहले इसने बोल दिया कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो बच्चों, इन फिगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो एक तो ये चीज है ना। और आगे क्या कहता है, कहता है कि पी टू पॉइंट पी एंड क्यू आर टेकन ऑन द डायगोनल बीडी, और दो पॉइंट्स है पी और क्यू जो कि बीडी डायगोनल के ऊपर लिए गए हैं, ठीक है। आगे कहता है सच दैट डीपी बराबर बीक्यू, और आपसे ये बोला है कि जो डीपी है ये बीक्यू के इक्वल है। तो इट मींस यहां पे एक चीज और दे दी आपको, इसके अलावा कुछ और तो नहीं ना। हाँ, तो एंड करके लिख देते हैं, एंड डीपी इक्वल टू पीक्यू। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको गिवन है, ठीक है। आगे कहता है बेटा कि सी फिगर, देखो फिगर ऑलरेडी गिवन थी तो मैंने पहले से बना रखी है यहां पे, और शो दैट नंबर 1, 2, 3, 4। तो बेटा टू प्रूफ, आपके पास यहां पे प्रूफ करने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, आई थिंक 5 पार्ट है। हाँ, 5 पार्ट है। तो पहले में कहता है ट्राइंगल एपीडी, ट्राइंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीक्यूबी, सीक्यूबी नंबर 2। सेकेंड पॉइंट है बेटा एपी इक्वल टू सीक्यू, तो एपी इक्वल टू सीक्यू। और थर्ड वन इज ट्राइंगल ए क्यू बी, ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीपीडी, सीपीडी नंबर 4। नंबर 4, ए क्यू इक्वल टू सीपी, ए क्यू इक्वल टू सीपी। एंड लास्ट वन इज एपी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, एपी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये 5 पार्ट है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कंस्ट्रक्शन नॉट रिक्वायर्ड। तो सीधा हम प्रूफ देखते हैं इस क्वेश्चन का। और बच्चों ध्यान देना, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो टफ कुछ भी नहीं है, आप बस थोड़ा सा ध्यान दोगे तो फटाफट से कर लेंगे। देखिए बात को समझो, पहले पार्ट से समझते हैं कि लॉजिक क्या है, कैसे करने वाले हैं। देखो एपीडी कौन सा ट्राइंगल है, एपीडी साफ नजर आया ये वाला है, और सीक्यूबी साफ नजर आ रहा है ये वाला है, मतलब इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। बात को समझो कि पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे प्रूफ कर सकते हैं। देखो एक बात आओ, इसका ये वाला एंगल 1, इसकी ये वाला एंगल 2 के इक्वल होगा नहीं होगा, चेक कर लो, जेड बन रहा है भाई, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि देखो ना एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, और ये ट्रांसवर्सल है तो जेड बन गया, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड वन इज इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड के इक्वल, ये आपको दे रखा है, चेक करो डीपी बराबर पीक्यू है, ठीक है। तो देखो चेक करो, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई, और पहला पार्ट प्रूफ हो गया, और सीपीसीटी से एपी और सीक्यू भी बराबर हो गए, चेक कर लो भैया। देखो ना इसकी सीपीसीटी से इसकी वाली साइड, इसकी वाली साइड के इक्वल हो गई, है ना। तो आपके 2 पार्ट तो इस तरीके से प्रूफ हो गए। अब पहले काम करते हैं, पहले 2 पार्ट को प्रूफ कर लेते हैं, लिख लेते हैं इन राइटिंग, उसके बाद बाकी आगे मैं समझाता हूं फर्दर, है ठीक है। तो नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, तो भैया इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, ओके। तो भैया इसमें सबसे पहले इसकी AD, देखो ना ये वाली, इसकी BC के इक्वल है, BC या CB कुछ भी पढ़ सकते हैं हम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका रीजन देंगे हम अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, है ना, पैरेललोग्राम ABCD की अपोजिट साइड्स है, और इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। और इसका थर्ड वन, इसकी पीडी चेक करो, इसकी पीडी इसकी क्यूबी, इसकी क्यूबी
क्यू बी या बी क्यू कुछ भी पढ़ सकते हैं, इसके इक्वल है। इसका रीजन गिवन है बेटा, है ना, डीपी, डीपी को पीडी पढ़े, चलो डीपी लिख देता हूं मैं, डीपी सॉरी डीपी है ना, डीपी या पीडी बात एक बराबर बी क्यू है ना। ओके तो इसका रीजन क्या है, ये हमें गिवन था, तो इट इज गिवन। तो साइड एंगल साइड से ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट है ना, तो बाय बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन से ट्राइंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीक्यूबी, ठीक है। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका सेकेंड पार्ट तो सीपीसीपी से हो गया। तो भैया भैया एपी इसकी देखो ना, ये वाली साइड इसकी एपी इसकी सीक्यू के इक्वल हो गई, नहीं हो गई, चेक कर लो बाय सीपीसीपी। तो दिस वन बाय सीपीसीपी यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो आई एम श्योर बच्चों आपको यहां तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर मैं इतने पार्ट को रफ करके आगे चलता हूं। तो बच्चों देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड पार्ट वी टेक ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। तो देखो ना थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग मेरे को यही लेना पड़ेगा। तो अब चेक करते हैं कि ये कौन से ट्राइंगल है। तो ए क्यू बी, ए क्यू बी यानी कि ये वाला ट्राइंगल है, सीपीडी ये वाला ट्राइंगल है। तो देखो सेम तरीका बेटा, सेम प्रोसेस से, जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था ना, सेम प्रोसेस से इसका इसका ये थर्ड पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। देखेंगे देखेंगे कैसे। देखो एक तो ये इसकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड के इक्वल है। बेसिकली रीजन की अगर आप बात कहो, अगर आप रीजन की बात करो तो बेटा अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम है ना। और देखो यहाँ पे भी जेड बन रहा है, चेक कर लो जेड बन रहा है। तो इसका ये वाला एंगल दैट इज एंगल थर्ड और एंगल फोर्थ के इक्वल होगा, ठीक है। और ये वाली साइड तो इसके इक्वल है, ये इसकी वाली साइड इसके इक्वल है, गिवन है। तो हो गया बेटा, तो बस यही है ना। तो चलो इसकी ए बी, इसकी ए बी इसकी सी डी के इक्वल। रीजन में अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके इसके बाद इसका एंगल थ्री, इसका एंगल थ्री इसके एंगल फोर के इक्वल। रीजन में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, प्रॉपरली लिख लिया। और तीसरा बेटा इसका इसका बी क्यू है ना, इसका बी क्यू इसके पीडी के इक्वल है या डीपी के इक्वल है ना, ठीक है। पीडी या डीपी कुछ भी पढ़ सकते हैं, तो इसके पीडी के इक्वल है। तो बेटा इसका रीजन क्या है, गिवन, यह मैंने दे रखा था ऑलरेडी। तो चेक करो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई इस क्वेश्चन में भी। सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन से ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी, चेक कर लो। तो बेटा थर्ड पार्ट तो हो गया, और रही बात फोर्थ पार्ट की, तो सीपीसीटी से हो गया। देखो ना इसकी ए क्यू इसकी सीपी के इक्वल होगी, नहीं होगी इसकी ए क्यू इसकी सीपी के। तो भैया फोर्थ पार्ट तो आपका किससे हो गया, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। और आप ये देखो आपने सेकेंड पार्ट में क्या दिखाया, सेकेंड पार्ट में आपने एपी और सीक्यू को इक्वल दिखाया, यानी कि इसकी ये वाली साइड को आपने इस वाली साइड पे इक्वल दिखाया, और फोर्थ पार्ट में आपने इस साइड को इसके इक्वल दिखा दिया है ना। तो बेटा एक बात आओ, ये जो कोऑर्डिनेटल आप देख रहे हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट इसकी अपोजिट साइड इक्वल है। और अगर किसी कोऑर्डिनेटल की अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए तो उस कोऑर्डिनेटल को क्या कहते हैं, उस कोऑर्डिनेटल को पैरेललोग्राम कहते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ वी कैन से देखो पहले मैं लिख के दिखाया था, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ से जो रिजल्ट बन रहा है, सेकेंड से आपका रिजल्ट बन रहा था एपी बराबर सी क्यू है ना, एपी बराबर सी क्यू, एंड फोर्थ में बन रहा था ए क्यू इक्वलाइज सीपी के। तो बेटा अगर किसी कोऑर्डिनेटर के अपोजिट साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या कहलाता है, वो पैरेललोग्राम कहलाता है। सो देयरफॉर इसका नाम क्या बेटा, एपीसीक्यू, एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। अच्छा ये जो यहां से था ये फिफ्थ पार्ट के लिए था, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों आई एम श्योर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर सेम 147 एनसीईआरटी है, तो इसकी भी फिगर गिवन है, तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है फिगर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है बेटा एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम
एंड, चलो एंड वाली बात बाद में करेंगे, पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं साथ साथ. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ओके, और एंड एपी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ए एंड सी. देखो एपी और सी क्यू जो है वो वर्टिसेस ए एंड सी से दो परपेंडिकुलर है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि कॉमा एपी इज परपेंडिकुलर टू बीडी, भाई बीडी पे ही है ना, डायगोनल बीडी पे, ठीक है, एंड सी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बीडी. ओके आगे देखते हैं, कहता है डायगोनल बी शो दैट नंबर वन एंड नंबर टू, बस यही था. तो आपने प्रूफ करना है बच्चों, दो पार्ट है. पहले में कहता है कि ट्राइंगल एपीडी एपीबी, ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीक्यूडी, सीक्यूडी, ओके, एपीडी सीक्यूडी, ठीक है, और एपी इक्वल टू सीक्यू, सेकंड में है एपी इक्वल टू सीक्यू, एपी इक्वल टू सीक्यू, ठीक है. वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि आप लोग करें वीडियो को पॉज करके, बाकी मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है. तो देखिए मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी. तो अब इसमें कॉन्वेंसी प्रूफ करें, चेक करते हैं पहले कौन सा ट्राइंगल है. देखो एपीबी कौन सा है, एपीबी ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है ना, और सीक्यूडी सीक्यूडी ये वाला ट्राइंगल है, यानी कि ये और ये है. और इसमें कॉन्वेंसी प्रूफ करनी है तो मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो देख लेते हैं. देखो एक तो ए बी और सी डी दोनों अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों इक्वल है ना, पहली बात. सेकेंड बात ये कि इसका एंगल ये वाला इसके एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है. थर्ड एक 90 डिग्री का एंगल है, बस इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. और आप चेक कर लो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो भी गया है ना. तो चलो कर देते हैं इसको फटाफट से. तो बेटा इसका एंगल ए पी बी, इसका एंगल ए पी बी इसके एंगल सी क्यू डी के इक्वल है. रीजन में लिखेंगे बेटा ईच 90 डिग्री. और सेकेंड इसका एंगल, देखो इस वाले को क्या पढ़ेंगे, ए बी पी, ए बी पी इसके एंगल सी डी क्यू के इक्वल है, सी डी क्यू के इक्वल रीजन में बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके तीसरा इसकी ए बी इसकी सी डी के इक्वल रीजन में अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है. तो बेटा बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल वी कैन से ट्राइंगल ए पी डी, सॉरी ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी, ठीक है. और ये पहला पार्ट था जो कि प्रूफ हो चुका है. और इसका सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सी पी सी टी से हो गया. देखो ना एपी बराबर सी क्यू, तो बेटा इसकी एपी इसकी सी क्यू की इक्वल होगी, नहीं होगी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो बाय सी पी सी टी ये भी प्रूफ, तो हैंस प्रूफ. तो बच्चों आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए. देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो कि पेज नंबर सेम 147 एनसीईआरटी है. तो कहता है कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, देखो दो ट्राइंगल, एक एबीसी देख सकते हैं आप और एक डीईएफ, ठीक है, ओके. तो इस पे लिखा है बेटा कि एबी इक्वल टू डीई, यानी कि इसकी जो एबी है वो डीई के इक्वल है, ठीक है, पहली बात. सेकंड कहता है कि एबी पैरेलल टू डीई और ये इसके पैरेलल भी है, ठीक है. फिर कहता है कि बीसी इक्वल टू ईएफ, बीसी ये वाली साइड है बेटा, ईएफ ये वाली साइड है, ये इसके इक्वल. और लिखा है कि बीसी पैरेलल टू ईएफ और ये इसके पैरेलल भी है, ठीक है. अब आगे लिखा है बेटा कि वर्टिसेस ए कॉमा बी एंड सी आर जॉइंट टू द वर्टिसेस डी कॉमा ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, यानी कि एबीसी के वर्टिसेस डीईएफ के वर्टिसेस से जॉइन किए गए हैं, यानी कि ए को डी से जॉइन किया है, सी को एफ से और बी को ई से जॉइन किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं वो फिगर में. और आगे लिखा है सी फिगर, ठीक है, और शो दैट नंबर 1 2 3 4 5 6 छह पार्ट है बेटा, ठीक है. तो चलिए शो दैट की बात तो बाद में करेंगे, पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं. तो इन फिगर देखो इसमें आपको क्या क्या दे रखा था कि इसकी ए बी इसकी डीई के इक्वल कॉमा इसकी ए बी इसकी डीई के पैरेलल, पहली बात, कॉमा इसकी बी सी इसकी ई एफ के इक्वल एंड बी सी
पैरेलल टू ईएफ, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी बस, दैट्स इट। अब जो आपने प्रूफ करना है, तो प्रूफ, तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया छह पार्ट है। नंबर वन, पहले के लिए कहता है क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, पहली बात। दूसरी बात, क्वाड्रिलेटरल बीई एफ सी, क्वाड्रिलेटरल बीई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, ओके। थर्ड वन इज एडी पैरेलल टू सी एफ, एडी पैरेलल टू सी एफ एंड एंड एडी इक्वल टू सी एफ, एडी इक्वल टू सी एफ, ठीक है। फोर्थ है बेटा क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी, क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और फिफ्थ है ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ। और लास्ट वन इज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ओके। तो बच्चों क्वेश्चन में इतने सारे पार्ट दे दिए हैं कि करते करते तो तेल निकल जाए। चलो कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखें। कहता है पहले पार्ट पे क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, अब देखते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी है। तो ए बी ई डी यानी कि ये वाला, देखो मैं इसको साइड में बना के दिखाता हूं आपको, कुछ ऐसा सा बन रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे डी है। और अगर आपको क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन देखें तो ए बी डी ई के इक्वल है, यानी कि यानी साइड इसके इक्वल है, और ए बी डी ई के पैरेलल भी है, तो यानी साइड इसके पैरेलल भी है। और हमने ये थ्योरम पढ़ी थी बेटा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो तो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो हो गया बेटा ये पहला पार्ट तो प्रूफ है ना। तो प्रूफ में देखते हैं बच्चे, नंबर वन, तो देखो इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल इसका नाम क्या बेटा, ए बी ई डी, ए बी ई डी, ठीक है। इसमें ए बी इक्वल था डी ई के एंड एंड ए बी पैरेलल भी था डी ई के, और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, सो देयरफॉर वी कैन से ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो तो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि देयरफॉर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पहला पार्ट था, दूसरा देखते हैं बच्चे हैं, दूसरा देखते हैं, इसको रख कर देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए और दूसरा देखते हैं दूसरे में क्या होता है। अच्छा एक बात और, एक बात और, दूसरा करने से पहले मैं इसका लिए एक बात बता दूं आपको, ए बी ई डी अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स पेयर एंड इक्वल हो जाएंगी। तो ए बी ई डी की अपोजिट साइड कौन कौन सी है, मैं चेक करूं ना, इसकी अपोजिट साइड कौन कौन सी है, एक तो ये वाली थी जो ऑलरेडी गिवन थी और एक ये वाली है, ये भी इक्वल एंड पैरेलल हो गई, यानी कि ए डी इज इक्वल टू बी ई एंड ए डी इज पैरेलल टू बी ई, ठीक है। चलो मैं लिख भी देता हूं कि ए डी इक्वल टू बी ई एंड ए डी पैरेलल टू बी ई। देखो इस वाली चीज क्या कहते हैं, इसका हमने यूज करना है तो इसको आप इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए। चलिए अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में है इन क्वाड्रिलेटरल बीई एफ सी, तो बीई एफ सी के बारे में बात करें तो देखते हैं बीई एफ सी है कौन सा। बीई एफ सी यानी कि कुछ ऐसे से बना हुआ है, देखो ध्यान से, ठीक है। ये बी है, ये सी है, सॉरी बी है ये है, और ये एफ है और ये ई है, ठीक है। और इसमें आपको गिवन था कि बी सी इज इक्वल टू ई एफ, चेक कर लो, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, तो बी सी और ई एफ, और बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, तो ये इसके पैरेलल भी है। तो फिर से वही वाली बात होगी ना, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, सो देयरफॉर वी कैन से बी सी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो बेटा इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें आपको दे रखा था कि बी सी इक्वल है ई एफ के एंड BC पैरेलल है EF के, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर BE FC इज अ पैरेललोग्राम, ओके। तो सेकंड पार्ट भी हो गया, लेकिन सेकंड पार्ट से भी वही वाली बात है कि
अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ये वाली साइड इक्वल एंड पैरेलल होगी, तो ये बात भी लिख लेते हैं, इसका यूज करेंगे बाद में। तो भैया इसकी बी इक्वल हो गई इसकी सी एफ के एंड इसकी बी पैरेलल हो गई सी एफ के, और इसको सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है, इसका यूज बाद में कर लेंगे। तो दो पार्ट तो हो गए बेटा, बाकी के लिए यहां पे देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो इसका तीसरा पार्ट देखिए ध्यान से, थर्ड पार्ट में कहता है कि AD इज पैरेलल टू CF। अब AD कौन सी है ये, AD इज पैरेलल टू CF, ठीक है, और AD इज इक्वल टू CF, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो इसने AD और CF के लिए बोला है, तो AD वाली साइड और CF वाली साइड है ना, तो AD और CF ये पैरेललोग्राम, अगर मैं इस वाले देखो ना, इस वाले को अगर मैं पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं, तो ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है, तो बच्चे ये तो ऐसे इक्वल एंड पैरेलल हो जाएंगी। तो बात आती है कि सर इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करें, तो देखो ना ये जो मैंने दो इक्वेशन बनाई है इसका यूज करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉमा वी कैन से, देखो पहले में क्या था कि AD, ध्यान से देखना बेटा, AD इक्वल टू BE एंड AD पैरेलल टू BE, और सेकंड में क्या था, एंड सेकंड वाले में था BE, अच्छा CF को पहले लिख लो, BE को बाद में लिख, तो बात एक ही है ना, आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, तो CF पहले लिख सकता हूं, तो CF इक्वल टू BE एंड CF पैरेलल टू BE एंड CF पैरेलल टू BE। तो बच्चों अब इन दोनों रिजल्ट्स को आप ध्यान से देखो, क्या बेटा इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल, है ना। सो देयरफॉर इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि AD भी CF के इक्वल होगी एंड AD भी CF के पैरेलल होगी, चेक कर लो। और चेक करो अब इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखो, तो देखो ना AD CF के इक्वल आ गई, AD कहां गया, AD CF के इक्वल आ गई और AD CF के पैरेलल भी आ गई, तो मेरे ख्याल से इसमें यही तो प्रूफ, ठीक है ना, यही तो प्रूफ करना था, तो ये हो भी गया। और इसके बिहाफ पे मैं इस वाले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम भी कह सकता हूं, है ना, तो मैं कह ही देता हूं, therefore quadrilateral ADFC is a parallelogram, और मेरे ख्याल से आपसे मांगा है, हाँ ACFD, देखो ना इसको मैं ACFD भी पढ़ सकता हूं, बात एक ही है, या फिर ADFC भी पढ़ सकता हूं, तो चलो जो लिखा है बुक में वही लिख लेते हैं, ACFD पढ़ लेते हैं इसको, ACFD। तो बेटा ये तो आपका फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो गया यहीं पे ना, तो मैं यहाँ पे नंबर चार भी लिख देता हूँ, ये फोर्थ पार्ट भी, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो AC बराबर DF दिखाना है, तो बेटा एक बात आओ, जब मैंने इस वाले क्वाड्रिलेटरल को देखो ना यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे से बनेगा, है ना, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है और ये F पॉइंट है, जब मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो इसकी सारी साइड इक्वल होंगी, तो क्या इसकी AC इसकी DF की इक्वल होगी या नहीं होगी, तो यही तो प्रूफ करना है पांचवें पार्ट में। तो भैया AC इक्वल हो गया DF के, इसका रीजन क्या लिखोगे आप, इसका रीजन आप लिखोगे के अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ओके। तो ये भी हो गया, अब नंबर सिक्स देखते हैं, नंबर छह, तो इन दोनों में कौन कौन सी प्रूफ करें, खैर अब तो बहुत ही इजी है, और सही बताओ कुछ बचा भी है, मेरा मन भी नहीं है कराने का, लेकिन फिर भी, तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, अब देखो इस पे कॉन्वेंसी प्रूफ तो ट्रिपल एस रूल से भी होगी, सीधी सी बात है कि इसकी इसकी ए बी इसकी डीई के इक्वल है, देखो ना इसकी ए बी इसकी डीई के इक्वल, आप कहोगे कैसे, चेक कर लो ए बी बराबर डीई दे रखा भाई, मैंने थोड़ा बोला, और इसकी बी सी इसकी ई एफ के इक्वल है, ये भी चेक कर लो बी सी ई एफ के इक्वल है, मैंने नहीं बोला, और इसकी ए सी इसकी डी एफ के इक्वल है, देखो ना इसकी ए सी यानी वाली साइड इसकी डी एफ के इक्वल है। अब आप कहोगे सर ये तो दे भी नहीं रखा था, तो भाई अगर दे नहीं रखा था तो हमने प्रूफ तो किया ये रहा AC इक्वल टू DF, है ना, तो फ्रॉम अबव, तो भैया इन दोनों का रीजन तो ये है कि गिवन, ये कहां से आया फ्रॉम गिवन, और ये कहां से आया ऊपर से, तो फ्रॉम अबव लिख सकते हैं हम, ओके। तो बाय ट्रिपल एस यानी कि एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन से ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है, हेंस प्रूफ, तो बच्चों समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो क्या कहता है, कहता है कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, देखो बेटा आपको गिवन इंफॉर्मेशन में सबसे पहले बोल दिया है कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम,
ओके एबीसीडी एक ट्रिपल सेम है इन विच ए बी पैरेलल टू सी बी, तो जिसमें कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपको दे रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बोला है एंड ए डी इक्वल टू बी सी, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ओके देखो ए डी और बी सी, ए डी और बी सी वाली साइड है, ठीक है, और ए बी पैरेलल टू सी डी ये दे रखा है, ठीक है। शो दैट, अब तो बस और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, शो दैट यानी कि आपने प्रूफ करना है बच्चों। देखो मेरे बच्चों दो या चार पार्ट है इसमें, ठीक है पहले लिख लेते हैं। पहले पार्ट में कहता है एंगल ए और एंगल बी बराबर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। दूसरे पार्ट में कहता है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। और तीसरे पार्ट में क्या कहता है, तीसरे पार्ट में कहता है ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल इसको कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, बी ए डी, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में कहता है, फोर्थ पार्ट में कहता है डायगनल ए सी इक्वल टू डायगनल बी डी, और भैया डायगनल ए सी इक्वल टू डायगनल बी डी, ओके कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ एक हिंट भी लिखी हुई है क्वेश्चन में, हिंट में लिखा है बेटा एक्सटेंड ए बी, ए बी को बढ़ाइए एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी, और एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि सी से थ्रो होनी चाहिए यानी कि पास होनी चाहिए, और कहता है कि पैरेलल टू डीए जो कि डीए के पैरेलल हो। आप देख सकते हैं इट मींस ये और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ओके आगे लिखा है पैरेलल टू डीए इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस एट ई, और जो कि ए बी को बढ़ाने पर ई पे काटे, ये आपको हिंट में दिया है और मैंने कुछ नहीं किया, ये फिगर आपको गिवन थी ऑलरेडी, मैंने फिगर बनाई है बस देख के, ठीक है ना, ओके। तो बच्चों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि आपके पास था तो सिर्फ ये तो आपको हिंट में बोला है तो ये आपने करा है, मतलब ये एक्स्ट्रा काम है ना, चलिए ठीक है। तो अगर ये चाहो तो आप इसको कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, ठीक है कंस्ट्रक्शन में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है कि प्रोड्यूस्ड ए बी टू पॉइंट ई, ठीक है एंड ड्रॉ अ लाइन, एंड ड्रॉ अ लाइन सी ई पैरेलल टू ए डी, है ना, इतनी बात लिखोगे तो काफी रहेगा। अब प्रूफ, तो भैया मैं इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ हिंट देने वाला हूं, तो सिर्फ मैं आपको हिंट ही दूंगा, आप लोग ध्यान से देखें, है ना। तो देखिए देखिए कैसे करते हैं, देखो एक काम करते हैं, फिलहाल मैं एक काम करता हूं इनको मार्क कर देता हूं, एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर, है ना, ये आपकी सहूलियत के लिए मैंने मार्क कर दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। एंगल वन और एंगल टू आपने इक्वल प्रूफ करने हैं पहले पार्ट में, है ना, ओके कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, लेकिन करेंगे कैसे उस चीज को समझते हैं। यार एक बात बताओ, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये गिवन है, देखो ना ए डी इक्वल है बी सी के, देखो ना आप चेक करो ए डी बी सी के इक्वल है, इट इज गिवन, तो ये गिवन है आपको, और ए डी सी ई की सी ई के भी इक्वल है बेटा, देखो ना ए डी इक्वल है सी ई के, ए डी सी ई के इक्वल क्यों है अब आप कहोगे, बेटा देखो ध्यान से सुनो भैया, ए बी पैरेलल टू सी डी था क्योंकि ट्रेपेज़ियम में गिवन था, और ये इसके पैरेलल है, चेक कर लो आपने कंस्ट्रक्शन में ये बात लिखी है ना, तो इसका मतलब ए ई सी डी पैरेललोग्राम बन गया, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है ना, तो बस इसलिए इक्वल है। तो आप रीजन में लिखना चाहो तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या नाम है इसका, ए ई सी डी, ओके। अच्छा अब एक बात देखो भाई, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल, सो देयरफॉर बी सी इक्वल टू सी ई, और जब बी सी और सी ई इक्वल है इस ट्राइंगल में तो इनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे, यानी कि एंगल तीन और एंगल चार, तो BC के अपोजिट एंगल चेक कर लो एंगल चार है, वो इक्वल हो गया CE के अपोजिट एंगल तीन के, है ना, तो ये क्या है बेटा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ओके। तो मैंने ये दिखा दिया कि एंगल तीन और एंगल चार इक्वल है, लेकिन अभी मेरा काम यहां से नहीं बना है, मैंने सिर्फ अभी एंगल तीन और एंगल चार को इक्वल दिखाया है, फिलहाल मैं इसको होल्ड पे डाल देता हूं और वन मान लेता हूं। अभी मैं काम करूंगा एंगल दो और एंगल तीन के लिए, तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री को मैं 180 डिग्री लिख सकता हूं बेटा, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, है ना, बाय लीनियर पेयर, ओके। तो एंगल तीन की जगह, एंगल तीन के सब्स्टिट्यूट में
मैं 180 डिग्री माइनस एंगल 2 भी लिख सकता हूं, है ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको फिलहाल मैं सेकंड बोल देता हूं, इसको भी अभी होल्ड पे डाल देते हैं, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं एंगल 1 और एंगल 4 के बारे में। तो देखो हमने पढ़ा है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल हो, तो ये दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, इनको कोइंटीरियर एंगल कहते हैं। तो फिलहाल यहां पे भी वही बात है, ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, चेक कर लो। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन में बाय कोइंटीरियर एंगल, है ना। ठीक है, ओके। तो यहां से मैं वैल्यू फाइंड करने वाला हूं, वैल्यू क्या फाइंड करने वाला हूं, मैं वैल्यू सब्सिट्यूट करने वाला हूँ, सिर्फ उसी से मेरा काम हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। देखो एंगल वन की मेरे को जरूरत है भाई, मेरे को अगर पहले पार्ट में ए और बी चाहिए, तो ए में तो मेरे को बी एंगल वन चाहिए और बी के लिए मेरे को एंगल टू चाहिए, है ना, सिंपल सी बात है। तो मैं वन को तो एज इट इज रहने दूंगा, बट मेरे को फोर नहीं चाहिए, तो फोर को हटाऊंगा, फोर की जगह मैं थ्री लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर वन से, है ना, लिख दिया। अब मेरे को थ्री भी नहीं चाहिए, तो थ्री की जगह इक्वेशन नंबर टू से मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री माइनस एंगल टू, चेक कर लो, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 इस 180 से कैंसिल, क्योंकि प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस जीरो, है ना। तो देखते हैं, तो भैया एंगल वन और ये माइनस का टू है, उधर जाएगा तो प्लस का टू हो जाएगा, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, और ये तो मुझे चाहिए था, यानी कि एंगल वन का मतलब है एंगल ए, एंगल टू का मतलब एंगल बी। तो हो गया फर्स्ट प्रूफ, है ना, पहला प्रूफ हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा वैसे मेन जो था वो पहले में ही था प्रॉब्लम, दूसरे और तीसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चौथे में भी नहीं इनफैक्ट। तो अब देखो, अभी अभी मैंने आपको कोइंटीरियर वाली बात बताई थी, ठीक है, बात को समझने की कोशिश करें। एक बात हो, जैसे मैंने बोला था कि ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो सिमिलरली ये और ये भी तो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का भी तो सम 180 डिग्री होगा, है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, सेकेंड पार्ट करो ना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल डी ऑल्सो 180 डिग्री, है ना, रीजन में आप लिख देना बाय कोइंटीरियर एंगल, है ना, बाय कोइंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। स्पेस कम है तो मैंने पूरा नहीं लिखाया, आप देख लेना। तो अब ए की जगह देखो ना, एंगल ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री माइनस एंगल डी, चेक कर लो, और इसको एक इक्वेशन मान लेता हूँ, यानी कि थर्ड मान लेता हूँ, क्योंकि सेकंड तक तो मैंने यहां से मान रखी है। सिमिलरली देखो, सिमिलरली भाई बी और सी भी तो होंगे ना, एंगल बी प्लस एंगल सी भी तो 180 डिग्री होंगे, और एंगल बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री माइनस एंगल सी लिख सकता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूं, ठीक है, ओके। अब देखो मैंने एंगल ए और एंगल बी को इक्वल दिखा दिया है ना, तो मैं इसको ले लेता हूं, नाउ वी हैव एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, और एंगल ए की जगह एंगल ए की वैल्यू पुट कर देता हूं, यानी कि 180 माइनस एंगल बी, और बी की जगह बी की वैल्यू यानी कि 180 माइनस एंगल सी। अब चेक करेंगे, देखो 180 से 180 कैंसिल, ये माइनस का सी इधर आएगा, प्लस का सी हो गया, और ये डी माइनस का इधर जाएगा, तो प्लस का डी हो गया, चेक कर लो, हो गया आपका दूसरा पार्ट, एंगल सी बराबर एंगल डी, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको यहां तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब जो तीसरा पार्ट है ना, उसके लिए तो यार मैं बिल्कुल आपको हिंट ही दूंगा, मैं आपको कुछ नहीं कराने वाला इसमें, आप बस ध्यान से देखें। देखो ट्राइंगल एबीसी, यानी कि एबीसी, इसका मतलब मेरे को इसी को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मेरे पास एक ट्राइंगल एबीसी बनेगा, पहली बात तो ये। दूसरा ट्राइंगल बीएडी, बीएडी यानी कि मेरे को बीडी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मेरे पास ये वाला ट्राइंगल आएगा। अब इन दोनों ट्राइंगल को मेरे को कॉन्वेंट दिखाना है, तो देखो कैसे दिखा सकता हूं मैं। अब इन दोनों ट्राइंगल को ना 2 मिनट के लिए यहां पे देखो जरा साइड में, देखो एक ट्राइंगल ये है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था, यानी कि बीएडी, और एक ट्राइंगल एबीसी यानी कि ये वाला कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ए बी सी, है ना, ओके। अब देखो इसमें आपको गिवन क्या है, इसकी ए डी इसकी बी सी के इक्वल है, ये आपको गिवन है, चेक करो, ए डी बराबर बी सी दे रखा है, पहली बात। इसका एंगल ए इसके एंगल बी के इक्वल है, ये आपने प्रूफ किया है, एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। दूसरी बात, इसकी ए बी इसमें भी ए बी है, कॉमन साइड, तो चेक कर लो साइड एंगल साइड रूल से कॉन्वेंसी प्रूफ हो गई इस ट्राइंगल में, है ना। और सी पी सी टी से इसकी बी डी और इसकी ए डी, ठीक है, देखो ना इसकी कौन सी साइड थी, एसी थी ना, हाँ सॉरी, इसकी एसी और इसकी बीडी भी इक्वल होगी, यानी कि फोर्थ पार्ट आपका सीपीसीटी से हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इन राइटिंग लिख के दिखाता हूं, तो इन ट्राइंगल नाम क्या है, एबीसी, एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी, बीएडी। तो बेटा इसका पहले मैंने क्या दिखाया था, इसका
साइड बी सी, इसकी साइड बी सी, इसकी साइड बी सी, इसकी साइड ए डी के इक्वल है, चेक कर लो बी सी ए डी के इक्वल है ना, तो ये गिवन थी। ओके इसके बाद इसका एंगल ए, इसके एंगल बी के इक्वल फ्रॉम अबव यानी कि ऊपर से। ओके और इसकी ए बी, इसकी बी ए के इक्वल कॉमन साइड, तो ये कॉमन साइड होगी। ओके तो बेटा अब मेरे पे स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, मैं यहां पे थोड़ा सा स्पेस बना के यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूँ बच्चों, है और आप समझना। तो देखो यहाँ पे मैं करा रहा हूँ आपको थोड़ा सा जो भी बचा हुआ है पोर्शन है। तो भैया देखो चेक करो, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होगी, सो देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी, एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएडी है ना, बीएडी रूल, रूल यहाँ पे लिख दो बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। ओके अब सीपीसीटी से इसकी एसी और इसकी बीडी इक्वल हुई, तो इसकी एसी यानी कि इसकी पीडी के इक्वल हो गई, तो ये कैसे बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। ओके तो बेटा ये आपका फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो गया, थर्ड पार्ट तो यहीं पे प्रूफ हो गया था, चेक कर लो एसी और बीडी को इक्वल दिखाना था। तो बच्चों जैसा भी है ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, बाकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आज की क्लास यहीं तक की, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 1 क्वाड्रिलेटरल। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद।